बारिश के हालात चेक करें आप, इतनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और अभी मुझे अंदर भाग के जाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। कभी अंकल कहीं पार्किंग लगा रहे थे, कभी अंकल कहीं पार्किंग लगा रहे थे। बीच में जो है खाना शाना खा लिया है, खाना मैंने खा लिया, लेकिन अब मुझे चाय की बहुत ज्यादा तलब हो रही है। ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूं डॉक्टर कंजा मिश्रा की तरह आप लोगों के साथ काफी दिनों के बाद वही नॉर्मल कैजुअल इंट्रोडक्शन देती हुई मैं। सो मैं बैठी हुई थी और अभी आई वॉज थिंकिंग इट्स जस्ट अ नॉर्मल कैजुअल डे इन इस्लामाबाद एंड बाहर की वाइब कुछ ऐसी है, कितनी प्रिटी लग रही है। सारी रात बारिश होती रही है एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट इस्लामाबाद आई विल से रेन। तो मौसम अच्छा हो गया था काफी रात, लेकिन रात मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है ना कि अभी भी आपको बाहर कॉरिडोर से आवाज आ रही होगी चू चू की, तो वो इतनी आ रही थी रात। आई वॉज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ कि मैं उधर ना करूँ फोकस, मगर बार बार मेरा फोकस वहां पे जा रहा था और वो मुझे चीज कंसर्न, आई वॉज बींग कंसर्न फॉर दैट रिस्पेक्टिव वॉइस। फिर मैं थोड़ी डरने लग गई, तो लेकिन फिर एट लास्ट फिर मैं सुबह सोई 5-6 बजे जब रोशनी हो गई, बट स्टिल वो आवाज़ आती रही और अभी भी वो आवाज़ आती रही है। तो ये सीन जो आवाज़ का है ना, मैं आपको जाकर दिखाती हूँ कि ये है क्यों। इट्स बेसिकली कुछ मार्बल में इशू है। लुक, सीटी की आवाज़ आई है ना, तो ये इस कॉरिडोर से बेसिकली आवाज़ आ रही है एंड ये नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये आ रही है फिर भी। तो या अभी बाहर इट्स ह्यूमिड क्योंकि बारिश हुई है, लेकिन इट्स फाइन इनफ। जो ड्राइवर है वो आने वाला है विद इन 30 मिनट्स, ही भी है, सो देन डेफिनेटली आई गो टू द रिस्पेक्टिव प्लेस टू गेट माय नेल्स डन। पता नहीं होते हैं भी हैं कि नहीं होते। गर्मी थी बाहर यार, बाहर गर्मी थी। तो एनीवेज वो आता है, तब तक आप ऐसा करें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आगे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करके मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। और अभी मैं आपको एक न्यूज़ देने लगी हूँ। तो न्यूज़ ये है मेरे फॉर माई पीपल द न्यूज़ इज़ दैट कि मैं अपने हर प्लेटफॉर्म पे, वो इंस्टाग्राम हो गया, वो टिकटॉक हो गया, वो यूट्यूब के शॉर्ट्स हो गए, आई फील लाइक के दैट माई कंटेंट नीड्स टू बी प्रोडक्टिव इनफ फॉर माई ऑडियंस। मेरा कंटेंट जो है वो इतना वो होना चाहिए कि आप कह लो नॉलेजेबल होना चाहिए फॉर माई कम्युनिटी, फॉर माई पीपल जो मुझे देख रहे हैं, उनको मुझे देखने का कोई फ़ायदा भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैंने ये सोचा है कि दैट मैं जो है शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊँगी ऑन मेडिकल स्टफ, कि आप लोग घर बैठे अपने बहुत से मसलों का खुद सेल्फ डायग्नोसिस कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि अगर ये सिम्टम्स हो तो ये हो सकता है, ये हो तो ये हो सकता है। अब अपने नियर बाय बहुत से लोगों को जो है वो नॉलेज भी दे सकते हैं। तो दिस डेफिनेटली ये मैं करने लगी हूँ। इंशाल्लाह आई एम जस्ट लाइक गोइंग टू पोस्ट दीज काइंड ऑफ वीडियोस एक दिन छोड़ के उसके बाद से। होप सो आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ऑन माई एवरी प्लेटफॉर्म। क्योंकि वेन एवर आई यूज टिकटॉक, पहले तो मैं टिकटॉक यूज नहीं करती थी, लेकिन वेन एवर आई यूज टिकटॉक तो आई फील लाइक कि मुझे ये प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे। एक गाने के ऊपर लिपसिंग कर लेना इट्स नॉट माई थिंग वैसे, बट चलो इंटरटेनमेंट के लिए इट्स फाइन, इट्स ओके। वो करने में मुझे बुरा नहीं लगता, जस्ट लाइक दैट आई लव डूइंग इट। कोई भी चीज़ मैं ज़बरदस्ती अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करती, लेकिन जो चीज़ मेरे अंदर है आई फील लाइक कि दैट मेरे अंदर है कि दैट मैं किसी को समझा दूँ। मेरे अंदर एक कूट कूट की चीज़ भरी हुई है कि दैट अगर मुझसे कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ पूछी जाती है तो आई जस्ट फील लाइक कि मैं उसको बहुत अच्छे से काउंसिल कर दूँ। इवन जब भी मैं अपने पेशेंट से भी बात कर रही होती हूँ तो आई फील लाइक कि मेरी ऑडियंस को मेरा पता ही नहीं है कि दैट मैं हूँ कैसी इन एक्चुअली। तो सारा इंटरटेनमेंट स्टफ तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर थोड़ा पढ़ाई से भी रिलेटेड अगर मैं आपको अपने अल्फाजों में समझा दूँ तो वो क्या ही बात हो जाएगी। मेरे लिए इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर मी। अल्लाह हैज ब्लेस्ड मी बीइंग अ डॉक्टर, तो आई शुड हेल्प माय पीपल जो मुझे देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये मेरा एम है एंड आई एम गोना लाइक जस्ट लाइक वर्क ऑन दिस गोल कि मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव वीडियोस बनाऊं इंशाल्लाह। ये कि दैट मैं सैलून तो आ गई हूँ, लेकिन ये मार्केट इज़ लाइक बेट वो वाली। लेकिन जो मेरे ड्राइवर अंकल है वो पूछने गए हैं कि इसकी एंट्रेंस कहाँ से है बेसिकली, वो आते हैं तो बताते हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, मैंने तो गूगल पे सर्च किया था, अब देखते हैं अंदर जाके कैसी सर्विसेज हैं अभी कि नहीं है। मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। हाँ जी, इधर से ही है ये बिल्डिंग से जाना है ऊपर। Few inches later. Anyway जी, this is a place known as Carnival Cart. इसका मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यू देखा था इंस्टाग्राम वगैरह पे,
बेसिकली ये इनकी चीज़ है जो झूले वगैरह इन्होंने लगाए हैं ना, थिंग अबाउट दिस प्लेस। बट आज इतनी कोई बुरी हुई है कि जहाँ पे मैंने नेल बार पे जाना था वहाँ पे वो कह रहे हैं जी पूरे इस्लामाबाद में जेल नेल्स ही नहीं होते, मतलब दैट वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। तो वहाँ से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट होके फिर मैं यहाँ पे आ गई एंड व्हेन आई केम हियर, तो जिस बंदे को मैंने डिनर पे इनवाइट किया था, मतलब कंजा सगर ने इनवाइट करा था, आई वेटेड फॉर 50 मिनट्स, घंटा कर लें आप ठीक है, मेरी भूख मर गई, अब मैंने दूध पिया लिटरली, भूख मर गई, सब मर गया, मतलब आज का दिन नहीं अच्छा जा रहा। आज मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था कि दैट आई विल मेक अ वेरी डिफरेंट थिंग, मतलब फॉर द ब्लॉग ना, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो सका पॉसिबल आज। आज आपकी बहन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई है, अब मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को इनवाइट नहीं करना, इससे अच्छा मैं अकेले आती, मैं कब से खाना भी खा लेती किसी से कह के अपनी पिक्चर्स भी बनवा लेती और चली भी जाती। तो जी रेस्टोरेंट से तो मैं निकल आई थी, प्रिटी सी वहाँ पे फोटोज भी, और फिर उसके बाद मैंने ये लिए, जस्ट चेक दिस आउट, कितने प्यारे लग रहे हैं, ओह माय गॉड, चुप कर जा मेरी माँ। तो मैंने जो अपना ज्वेलरी का कुछ स्टफ मंगवाया था लेकिन वो मेरे गलत ऑर्डर पे चला गया, लाहौर वाले ऑर्डर पे चला गया, एड्रेस पे चला गया, तो वो फिर मुझे रिसीव ही नहीं हो सका, इतना टाइम लगा के मैंने वो ऐड करी थी चीजें कार्ट के अंदर, बट इट्स ओके, स्टिल आई गॉट दीस क्यूटीज, चेक दिस आउट। The next day. Assalamu alaikum my YouTube family. कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और फिट फाट होंगे, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 जुमा मुबारक हो। आज मैंने कहा कि आज मैं व्लॉग की ना ब्रेक ले रही हूँ, आज मैं नहीं करूँगी, और आज मैं कर भी नहीं सकती थी क्योंकि इतना रैंडम था, इतना रैंडम था कि मैं आई हैड टू शिफ्ट माई प्लेस, मुझे अपनी जो जगह थी वो भी चेंज करनी थी हफड़ा दफड़ी में, तो फिर बस उसी उसमें मुझे पता था कि दैट आई वॉन्ट बी एबल टू एडिट द व्लॉग, तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, कल जो मेरा आएगा व्लॉग उसके साथ ही अगले दिन फिर से एक और व्लॉग मैं आपको जो है वो ज़रूर दूंगी, ठीक है, आप लोगों ने टेंशन लेनी इस चीज़ की, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं इधर ही हूँ। सो अभी आई जस्ट लाइक चेंज माई प्लेस, और अभी ये मेरी न्यू प्लेस है, ठीक है, दिस इज़ माई न्यू प्लेस एक्चुअली, जहाँ पर मैं अभी फिर से शिफ्ट हुई हूँ, और अभी मैंने सबसे आते ही पहले ये नमाज ही पढ़ी है अभी, और मैंने फिर सोचा कि आप लोगों से भी जो है वो मुलाकात हाय हेलो हम कर लें, तो बस अभी यही सीन है कि दैट मैं जो है कुरान शरीफ पढ़ूंगी, सूरह कहफ वैसे मैंने लगाई भी हुई है माशाल्लाह से, ठीक है, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और उसके बाद आप इसे करके जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते, और आगे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर दें, और उसके बाद फिर मेरे साथ चले। अभी मैंने कहीं जाना था लेकिन वहाँ पे प्लान हो गया है कैंसिल, तो वहाँ पर मैं नहीं जा सकी, तो फिर शाम को ही प्रॉब्ली मैं निकलूंगी टू हैव समथिंग, ठीक है, आज कोई काम नहीं है, आज इट्स एन इजी पीजी डे, जो काम था वो कैंसिल हो गया है, तो आज हम कहीं नहीं जा सकेंगे, तो इट्स ओके, अभी मैं थोड़ा अपना खाना ऑर्डर कराने लगती हूँ कि व्हाट आई एम गोना हैव फॉर द ब्रेकफास्ट, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। फुल तेज बारिश हो रही है इस टाइम, चेक दिस आउट, ओह माय गॉड, मतलब नहाने वाला मौसम हुआ लेकिन अभी नहाया है मैंने, तो मैं नहाऊंगी नहीं, मतलब मैंने नहा लेना, बारिश हो रही है इस टाइम, ओह माय गॉड, दिस आउट, पानी 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 फुल टाइम, खाना कब से ऑर्डर कराया हुआ लेकिन अभी तक खाना नहीं आया, मतलब आई एम स्टार्विंग राइट नाउ, हंगर पैंग्स हो रहे हैं मुझे, लेकिन वो बेचारा कैसे आ सकता था, फूफाना पे एनी टाइम लिखा हुआ था कि कभी भी वो डिलीवर कर देगा, लेकिन अब वैसे ही वो बारिश हो गई, बेचारा कहीं रुक गया होगा। जी बाहर बारिश के हालात चेक करें आप, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, और अभी मुझे अंदर भाग के जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, कभी अंकल कहीं पार्किंग लगा रहे थे, कभी अंकल कहीं पार्किंग लगा रहे थे, बीच में जो है खाना शाना खा लिया है, खाना मैंने खा लिया, लेकिन अब मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, बिकॉज आई जस्ट चेंज माई प्लेस, और वहाँ पर जो है ना चाय नहीं अच्छी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल अभी नहीं था दिल कुछ रिकॉर्ड करने का, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू गाइस, बारिश चेक करें, इस्लामाबाद नॉट लाहौर, लाहौर में नहीं हो रही बारिश, मुझे आज 2-3 मिनट आए कुलीग्स के टेक्स्ट ना कि किधर वे, मैंने कहा इस्लामाबाद, बारिश हो रही है, सारा दिन होती रही आज बारिश, चेक दिस आउट, इतना प्रिटी, अरे ऊपर तो नाले का पानी आ रहा है, अंदर जाते हैं, ये देखें मज़ा आ गया, सो जी हियर इज माय चाय, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बारिश चेक करें, ओह माय गॉड,
बैक होम। बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मतलब लाइक अब तक की सलामत की सबसे तेज़ बारिश हो रही है, जो कि सुबह से हो रही है और इतनी तेज़ होती है फिर हल्की होती है, फिर तेज़ होती है फिर हल्की होती है। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग को करने लगी मैं यहीं पर एंड, और उम्मीद है कि नया जो मेरा ब्लॉग होगा इट्स गोइंग टू बी पता नहीं क्या होगा मुझे भी नहीं पता। एनीवेज अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखें। चेंज करके सोने लगी हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।